राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। राधे 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 राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Radhe 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare आवाज नहीं आ रहा है जोर से बोलिए Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Nitai Gaur Hari Bol 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 Nitai Gaur Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Gaura 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 Jaya Gaura Hari Jaya Gaura Hari Gaura Hari Jaya Gaura Hari Radhe Jaya Gaura Hari Gaura Hari Gaura Hari Jaya Gaura Hari Jaya Nityananda Ram Nityananda Ram Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram Nityananda Ram Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram
नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। भाव से भाव में भाव। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। राधे 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 जय जय श्री 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 राधे। राधा रानी की जय महारानी की जय। राधा रानी की जय महारानी की जय। राधा रानी की जय महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय महारानी की जय। जय बरसाना धाम जय बरसाना धाम बरसाना धाम जय बरसाना धाम। जय वृषभानु जय कीर्तिदा वृषभानु जय कीर्तिदा। राधे 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 जय जय राधे। राधे 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 जय जय। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे।
राधे 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 जय 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 राधे 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 जय प्रभु पाद जय प्रभु पाद प्रभु पाद जय प्रभु पाद जय प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद जय प्रभु पाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितई गौर जय जय गुरुदेव 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 जय जय हरि नाम 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 हेलो श्री श्री निताई गौर हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की श्री समावेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु परंपरा की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर निताई भगवान की जय राधा श्याम सुंदर की जय वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय श्रील ठाकुर भक्ति विनोद की जय श्री भक्त गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय श्री गुरु महाराज की जय निताई गौर प्रेमानंदे नित्यानंद गौरंग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बहुत धन्यवाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये
सवाई। अभी हम राधाष्टमी की कथा आज कर रहे हैं, राधाष्टमी की महिमा। तो राधा रानी के प्रति प्रार्थना है, सब मेरे पीछे बोलिए। ये प्रार्थना अगर कोई भक्ति भाव से कहता है तो राधा रानी का दर्शन इसी जन्म में हो जाएगा, क्योंकि ये रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रार्थना है, जो हमारे प्रयोजन आचार्य हैं, राधा गोपीनाथ के आचार्य। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, तवई वास्मी तवई वास्मी तवई वास्मी ना जीवंती त्वया विना ना जीवंती त्वया विना इति विज्ञाय देवित्वम् इति विज्ञाय देवित्वम् नयमाम चरणांतिकम् नयमाम चरणांतिकम् कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम्। असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुटस्साम सिंधु रसयावगा। अभी हम राधा कृष्ण के युगल अवतार को गौरहरि का स्तुति करेंगे, उनके बिना राधा का मिलना मुश्किल है। सब लोग बोलेंगे, गौरांग चरणाम्भोज मकरंद मधुव्रत साधनेन विना राधाम कृष्णं प्राप्यसि निश्चितम् सर्वलक्ष्मीमयी कांता कृष्ण प्रिया शिरोमणि अनयाराधितो नूनम् भगवान हरिरीश्वरः। तो श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव 5 सितंबर को है, राधाष्टमी, क्योंकि राधा रानी के प्रागट्य से अष्टमी की तिथि पवित्र हो गई है, इसलिए भगवान कृष्ण भी अष्टमी के ऊपर ही जन्म लिया है। भगवान ने कहा राधा की तिथि में ही मैं जन्म लूँगा। राधा रानी 11 महीने पहले जन्म ले चुकी, रावल में 16 साल और 1 महीने का। राधा रानी का नित्य आयु है, उसको कैशोर कहते हैं। तो अष्टमी की तिथि में जब राधा ने जन्म लिया तो भगवान को भी वो अष्टमी की तिथि बहुत प्रिय बन गई। यथा राधा प्रिय विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा। और भगवान कृष्ण ने भी वही तिथि को चुना है, इसलिए राधा मयो कृष्ण कृष्ण मयी राधा। जो राधा और कृष्ण को अलग मानता है वो राधा और कृष्ण को कभी नहीं समझ सकता है। ए दुई तनु एक प्राण,
एको बहुश्याम, कृष्ण और राधा दोनों का एक ही प्राण है, दोनों एक ही हैं, वो एक से दो बने हैं। एकात्मानव अपि भूरी पूरा देह भेदौ कतौतौ, एक से दो बने हैं लीला करने के लिए। भगवान ने अपने ही अंदर की लादिनी शक्ति को आनंद, जो सारे सृष्टि के सब जीवों को आनंद देती है, हर एक आत्मा में भी ये लादिनी शक्ति अणु मात्रा में है, लेकिन भगवान में लादिनी शक्ति पूर्ण मात्रा में है। वैसी लादिनी शक्ति राधा को भगवान ने प्रकट किया। क्यों प्रकट किया राधा को? क्यों प्रकट किया? अपने ही स्वतः को आनंद देने के लिए। एकात्मानव विभूति पूरा देह भेदौ गतौ तो। कृष्ण को स्वयं आनंद आस्वादन करने के लिए भगवान ने राधा को प्रकट किया है। वो कृष्ण की ही शक्ति है, पराशक्ति लादिनी शक्ति और सर्व लक्ष्मीमयी राधा है, और केवल राधा ही कृष्ण को आनंद दे सकती हैं ये सारी सृष्टि में। इसलिए सारे वैष्णवगण कृष्ण के पास नहीं जाना चाहते हैं, वो कहते हैं जय जय श्री राधे। क्योंकि राधा के द्वारा ही हम कृष्ण को आनंद दे सकते हैं। राधा के बिना हम कृष्ण के निकट में भी नहीं जा सकते हैं। हमारे सब गोस्वामी हैं वो राधा के दासियों का दासी हैं। सखियां हैं, मंजरियां हैं, ये सब राधा के द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करती हैं। इसलिए जब राधा रानी का प्रगट्य हुआ, तब श्रीदामा ने गोलोक में राधा को शाप दिया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा है कि कृष्ण विरजा नाम की गोपी के साथ कुंज में विलास कर रहे थे, तब राधा रानी अपनी 1,000 करोड़ गोपियों को लेके सुंदर विमान में आ गई। उस समय में कृष्ण के कुंज के बाहर राधा रानी का ही भाई श्रीदामा पहरा दे रहा था। तो श्रीदामा ने बोला, अभी कृष्ण विलास कर रहे हैं, रुक जाओ। तो राधा रानी ने कहा, मुझे तो किसी ने आज तक रोका नहीं है, वृंदावनेश्वरी ही तो मेरा नाम है। ये भगवान राधा का विरह को बढ़ाने के लिए दूसरी गोपियों के साथ लीला करते हैं, उसमें राधा का वियोग बढ़ जाता है, राधा को मान आ जाता है। ये मान को देखने के लिए कृष्ण दूसरी गोपियों के साथ लीला करते हैं। तो भगवान की लादिनी शक्ति स्वयं आ गई और श्रीदाम ने रोक दिया। तो राधा रानी ने कहा, मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो, तुम मेरे भाई हो। श्रीदाम ने कहा, मेरे को कृष्ण का ऑर्डर है, कोई नहीं जा सकता है कुंज में। तो राधा रानी ने श्रीदाम को बोला, तुम गोलोक में भी मुझे रोकते हो, जाओ तुम पृथ्वी पे जाओ और तुम राक्षस बन जाओ। तो श्रीदाम कौन सा राक्षस बना? शंखचूड अंश, श्रीदाम का अंश था शंखचूड नाम का राक्षस, जिसके माथे के ऊपर शंख था। और श्रीदाम ने राधा को कहा, हे राधे, तुमने मुझे शाप दिया तो मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ। ये तो लीला है, गोलोक से तो कोई इधर नहीं आता है, लेकिन गोलोक से इधर आने के लिए ये सब लीला करना पड़ता है। तो श्रीदाम ने कहा, राधे, तुम्हारा 11 महीने पहले, कृष्ण के पहले जाना पड़ेगा, तुमको विरह होगा और भगवान तुमको 11 साल की उम्र में छोड़ के चले जाएंगे। 100 साल तक तुमको कृष्ण से विरह में रहना पड़ेगा। तो राधा रानी
भगवान की दृष्टि अनुमति भगवान बाहर आए। विरजा नाम की गोपी ये देख के बहुत डर गई और वो पानी बन गई। गोलोक धाम के आजू बाजू पानी के रूप में विरजा नाम की गोपी नीचे उतरने लगी और वही विरजा नाम की गोपी कारण दक्षाई सागर बन गई है। और वही कारण दक्षाई सागर का पानी जब वामन अवतार ने ब्रह्मांड का पर्दा फोड़ दिया था तब वही पानी हमारे ब्रह्मांड में प्रवेश किया और ब्रह्मा जी ने भी वामन देव के चरण को धोया अपने कमंडलू से और पानी गंगा के रूप में हमारे ब्रह्मांड में प्रकट हुआ है। तो गंगा देवी, इसलिए राधा भगवान के वियोग में इस मर्त्य जगत में आए हैं। ये केवल 864 करोड़ साल में एक ही बार होता है राधा का स्वयं प्रकट्य। राधा रानी बार बार नहीं आती हैं, ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार। इसीलिए आगे थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। नाम लेके देते थे आगे आते जाइए। हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण का दर्शन जब तक नहीं हुआ तब तक रावल में राधा रानी 11 उनकी जन्म की लीला मैं संक्षिप्त में बताता हूं कि जब कीर्तिदा के गर्भ में राधा का प्रागट्य हुआ तो राधा की माँ कीर्तिदा करोड़ों 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 सूर्य के समान दैदित्यमान हो गई प्रकाशमान। तभी वृषभानु उनके पास 12 लाख गाय थी और नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। तो कौन बड़े, कृष्ण के पिता बड़े हैं या राधा के पिता, और कौन बड़ी है राधा या कृष्ण? आप सब बुद्धिमान हो गए। तो वृषभानु को इतना आनंद हुआ कीर्तिदा को देख के, करोड़ों करोड़ों सूर्यों का तेज, सोने का तेज कीर्तिदा के शरीर से निकल रहा है क्योंकि राधा वो कीर्तिदा के हृदय में आ गई है। और ये सबसे धन्य है पूरे सृष्टि में राधा रानी के माता पिता वृषभानु और कीर्तिदा, वो कृष्ण के माता पिता से भी अधिक धन्य है क्योंकि स्वयं उनको राधिका पराशक्ति आद्य शक्ति का उनको बालिका के रूप में दर्शन हुआ है। तो कीर्तिदा के हृदय में जब राधा आई है तब भगवान कृष्ण ने योग माया को ऑर्डर दिया है कि राधा का जन्म अभी नहीं होगा। उधर विंध्याचल, दक्षिण भारत में विंध्याचल राजा है, उसकी पत्नी को बहुत अच्छी पुत्री चाहिए। तो गौरी यानी पार्वती बहुत गोरी है, वो हिमालय की पुत्री है। तो विंध्याचल की पत्नी ने कहा मुझे तो गौरी से भी सुंदर पुत्री चाहिए, क्योंकि विंध्याचल और हिमालय दोनों एक दूसरे के मित्र थे, मतलब कंपटीशन। तो विंध्याचल की पत्नी ने बहुत प्रार्थना किया कि मुझे गौरी मतलब पार्वती से भी सुंदर, अभी महामाया, पार्वती तो साक्षात ब्रह्मांड में महामाया है, उनसे सुंदर कौन हो सकता है। जब पार्वती हरिदास ठाकुर की परीक्षा करने आई थी मेनापोल नाम के जंगल में, तो हरिदास ठाकुर गुफा में
महामंत्र का जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तब पार्वती महामाया जब आई तो पूरे दसों दिशाओं में प्रकाश हो गया। पार्वती दुर्गा महामाया उनके शरीर से इतना अलौकिक सुगंध निकलने लगा, पूरे दस दिशाओं में जैसे पुष्प की वर्षा हो रही है उनकी मुस्कान से। इतनी अलौकिक सौंदर्य है पार्वती का, गौरी का, महामाया का। और वो हरिदास ठाकुर की परीक्षा करने आई। हरिदास को कहती है कि आज मैं आपके साथ संग करना चाहती हूँ, आपके साथ मिलन करना चाहती हूँ। आप इतने सुंदर हैं, आप इतने नवयुवान हैं, आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। हरिदास ठाकुर हंसने लगे। हरिदास ने बोला, माया को जरा बैठ जाओ, मेरा चैंटिंग जरा सुन लो। देखिए, हमारे सामने तो माया का कोई छोटा मोटा प्रतिनिधि आएगा तो भी हम माया में गिर जाएंगे, लेकिन हरिदास ठाकुर के सामने साक्षात माया देवी आई। लेकिन जो नाम के रस में डूबता है वो कभी माया से नहीं गिरता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि द सेफेस्ट प्लेस इन द होल ऑफ क्रिएशन इज वेयर नाम संकीर्तन इज गोइंग ऑन। सारी सृष्टि में सबसे सुरक्षित जगह ये है जहां नाम संकीर्तन चल रहा है। तो इसलिए जब माया देवी ने हरिदास को यह प्रलोभन दिया, हरिदास ने माया को प्रलोभन दिया कि तुम नाम को सुन लो। और तीन दिन तक हरिदास ने माया को बुलाया, आज मेरा नाम खत्म नहीं हुआ, मैं एक महीने में मैं रोज 333,333 नाम लेता हूँ, मतलब मेरा महीने में कितना नाम पूरा होता है, 1 करोड़। महीने में 1 करोड़ नाम मैं लेता हूँ, मेरे महीने के 3 दिन बचे हैं, तुम कल आना, मेरा नाम पूरा हो जाएगा तो मैं जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तो माया देवी दूसरे दिन आ गई, वो तुलसी को प्रणाम करके बैठ गई, वो भी हरिदास का नाम सुन रही है। और दूसरे दिन भी हरिदास का व्रत पूरा नहीं हुआ, हरिदास ने कहा कल तुम जल्दी आना, कल आखिरी दिन है महीने का, मेरा 1 करोड़ नाम पूरा हो जाएगा, फिर तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो जब माया देवी दूसरे दिन आ गई और हरिदास महामंत्र का जप कर रहे थे, रात को 12 बज गए, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम, इतना मधुर नाम माया ने सुना हरिदास ठाकुर से। माया देवी ने कहा, अरे मैं हरिदास का क्या ललचा हूं, मैं खुद ही नाम के रस में डूब गई हूं। बोलो नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। तो रात को 12 बजे माया ने हाथ जोड़ लिया, बोले हरिदास मेरी एक विनंती है, मैंने राम मंत्र मेरे पति से लिया हुआ है, शंकर जी ने मुझे राम मंत्र दिया था, राम रामे इति रामे इति रामे रामे मनोरमे, लेकिन हे हरिदास तुमसे मैं महामंत्र में दीक्षा लेना चाहती। कैसे भक्त है देखिए, गौरांग महाप्रभु के भक्त माया को भी दीक्षा देते हैं। हरिदास ठाकुर ने पार्वती को, महामाया को ये महामंत्र में दीक्षा दिया है। हाँ, वैसी पार्वती से भी सुंदर पुत्री चाहिए थी विंध्याचल की पत्नी को। तो कृष्ण की आज्ञा से योग माया ने कीर्तिदा के हृदय से राधा का स्थानांतरण विंध्याचल की पत्नी के हृदय में हो गया।
राधा का जन्म रावल में नहीं हुआ, पहले राधा का जन्म विंध्याचल में हुआ। विंध्याचल राजा इतना खुश हुआ, अकेली राधा का जन्म नहीं हुआ, उसकी बहन भी साथ में थी, राधा और चंद्रावली, दोनों बालिकाओं का जन्म हुआ विंध्याचल में। वो राजा इतना प्रसन्न हुआ, देख रहा है कि दोनों बालिकाओं के शरीर से इतना तेज निकल रहा है, विशेष करके राधा के शरीर से, कि सोने की गुड़िया की तरह लग रही है राधा, और राधा के शरीर से जो तेज है उससे विंध्याचल कोई राधा को देख नहीं पा रहा था, इतना प्रकाश निकल रहा था। तो जब राधा रानी ने जन्म लिया तो विंध्याचल ने बड़ा यज्ञ किया, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, इतनी सुंदर बालिका मुझे प्राप्त हुई है, ये तो पार्वती से करोड़ों गुना सुंदर है, अनंत कोटि सुंदर है। तो जब राधा के लिए यज्ञ किया गया तब कंस ने बोला, पुतना को तुमने मथुरा में ब्रज में सब बालकों को मार दिया है, अभी तुम ब्रज मंडल के बाहर ढूंढो, भारत में जो जो छोटे छोटे बालकों का जन्म हुआ है सबको मार डालो, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। कंस कहता है मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, जो जो नवजात शिशुओं का जन्म हुआ है सबको मार दो। तो पूतना है वो खेचरी है, वो हवा में उड़ रही थी, हवा में उड़ती उड़ती वो विंध्याचल के ऊपर पहुंच गई और आकाश से देखा कि अरे ये सुंदर बालिका सोने के वर्ण में, ये कौन है, ये नवजात है, इसको तो मारना ही होगा, हो सकता है यही कंस का काल होगी। सो पूतना ने आकाश में से नीचे आई, और पूतना ने अप्सरा का स्वरूप, वो अपने स्वरूप को बदल सकती है क्योंकि वो खेचरी है, अपने स्वरूप को बदल के वो महल में घुसी। सब लोग यज्ञ की तैयारी में व्यस्त थे, तो पूतना ने दोनों बालिकाओं को हाथ में लिया और आकाश में उड़ने लगी पूतना। और आकाश में जब उड़ रही थी बहुत खुश हो गई, बोले इतनी सुंदर बालिकाएं, उसको भी आकर्षण हो गया पूतना को, थोड़ी देर में उनको लेके उड़ती हूं फिर उनको फेंक के मार डालूंगी। उतनी देर में विंध्याचल अपने कमरे में आया तो देखा कि बालिकाएं नहीं है, बड़ा ही ग्रस्त हो गया, व्याकुल हो गया। उसने सब ब्राह्मणों को बुलाया, बोले तुम क्या काम के हो, तुम पूरे भारत से आए हो, तुम्हारे अस्तित्व में मेरी बालिकाएं चली गई हैं, तुरंत ऐसा मंत्र पढ़ो यज्ञ में कि जो भी मेरी बालिकाओं को ले गया है वो तुरंत मर जाए और तुरंत मेरी बालिकाएं वापस आ जाए। तो सब पंडित बड़े यज्ञ किया और पंडितों ने महा शक्तिशाली मंत्र पढ़े और यज्ञ में आहुति डाला और निताय की जय। यज्ञ में आहुति डालते गए हैं और राधा को अपहरण करने वाली वाला कोई भी है उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा जब मंत्र पढ़ रहे थे तो पूतना आकाश में राधा को लेके जा रही थी, तो पूतना के शरीर में दुर्बलता आने लगी, पूतना वीक होने लगी, पूतना आगे नहीं उड़ पाई। और उस समय में पूतना विंध्याचल से ऑलरेडी ब्रजमंडल के ऊपर आ चुकी थी, जो राधा का मूल स्थान है वहाँ ही पूतना आकाश में उड़ रही थी। और पूतना ने बहुत दुर्बल होके राधा को छोड़ दिया आकाश में से, और आकाश में से राधा सुंदर बालिका नीचे गिर रही है, और वो रावल का धाम है,
रावल मतलब जमींदार, ऋषभानु महाराज बड़े जमींदार थे, 12 लाख गाय थी, तो वो रावल में ही राधा वापस आ गई है और आकाश से नीचे गिर रही है। और राधा जब नीचे गिर गई तो जमुना मैया में एक 1000 पंखुड़ी का कमल पूरा जमुना में तैर रहा था। बोलो जय जय श्री राम। और आकाश में से जब वो राधा रानी नीचे गिरी हैं तो सीधे कमल के अंदर गिरी। गोलोक धाम भी 1000 कमल की पंखुड़ियों का धाम है और राधा रानी का कमल भी 1000 पंखुड़ियों का कमल है, क्योंकि राधा के बिना गोलोक प्रकट करने का कोई प्रयोजन नहीं है। करोड़ों करोड़ों गोपियों के संग में भी कृष्ण को आनंद नहीं आता है जो राधा के संग में आता है। तो इसलिए राधा रानी कमल की पंखुड़ियों में गिर गई हैं और वो 1000 कमल की पंखुड़ी बंद हो गई हैं और राधा रानी को उसमें समा लिया है। लेकिन राधा रानी का इतना प्रकाश निकल रहा था कि वो सब कमल की पंखुड़ियों के बाहर भी निकल रहा था। और पूरे जमुना, जमुना मैया ऐसे श्याम वर्ण की है लेकिन पूरी जमुना गोरी हो गई राधा के प्रकाश से। रावल में जमुना बाजू में बहती है, गोकुल और रावल बाजू में है, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ और राधा का जन्म हुआ, दोनों स्थान बाजू बाजू में है, 6 किलोमीटर दूर है गोकुल से रावल। तो रावल में ये राधा कमल के अंदर बंद होके तैर रही थी जमुना में, उतने दिन उतने समय में। दूसरे दिन प्रातः काल में राधा के जो ओरिजिनल पिताजी हैं वृषभानु, वो जमुना स्नान के लिए निकले हैं प्रातः काल में। और जैसे ही वो जमुना के निकट में आए, उनको सब सुवर्ण दिखाई दिया, सब वृक्ष भी सुवर्ण हो गए हैं, पानी भी सुवर्ण हो गया है और लताएं, जमीन भूमि भी सुवर्ण हो गई है। आप सबने बरसाने में देखा होगा पीली पोखर देखा है आपने, जहाँ राधा रानी ने अपना हाथ धोया था तो पूरा सरोवर ही पीला हो गया सुवर्ण। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो उस प्रकार से पूरे जमुना भी गोरी, राधा भी गोरी, सब कुछ सुवर्ण कांति से प्रकाश है। और वृषभानु जी वहाँ आए हैं, वो सुवर्ण प्रकाश के स्रोत के पीछे पीछे चल रहे हैं। कहाँ से आ रहा है ये प्रकाश? ढूंढते वो 1000 कमल की पंखुड़ियों के कमल के निकट में आ गए हैं। और जैसे ही वृषभानु ने उसको स्पर्श किया है, वो कमल का फूल खिल गया है। तो जय जय श्री राधे। राधा का नाम में इतना रस है। तो जब वो कमल का फूल खिल गया, वृषभानु अपनी आंखों से देख नहीं पाए, इतना प्रकाश निकल रहा था। वृषभानु ने अपनी आंखें भी बंद कर दिया है राधा। और धीरे धीरे राधा ने कृपा किया वृषभानु के ऊपर, फिर उनके पिताजी ही राधा को देख पाए हैं कि गोलोक में जो महाभाव है, कृष्ण के भक्ति में 9 स्तर रहते हैं। पहला है श्रद्धा। श्रद्धा होगी तो हम साधु संग करेंगे, साधु संग करेंगे तो हम माला जपने लगेंगे, उसको भजन क्रिया कहते हैं। माला जपने लगेंगे तो फिर हम
अनर्थ निवृत्ति होगी, हमारा हृदय पवित्र होगा, उसके बाद में हमारे निष्ठा आएगी भगवान के प्रति, पांचवा स्तर है, उसके बाद में निष्ठा आ जाएगी, फिर हमको रुचि आ जाएगी भगवान के प्रति, ये भक्ति का छठा स्तर है, उसके बाद में रुचि का अनुशीलन करने से फिर हमें आसक्ति आएगी भगवान के प्रति, और आसक्ति जब प्रखर हो जाएगी फिर हमारे हृदय में भाव पैदा होगा भगवान के प्रति, और अंत में भक्ति का नवम स्तर है, हमको कृष्ण के प्रति प्रेम मिल जाएगा। तो अभी आप कौन से लेवल में हैं? भजन क्रिया तो चालू किया कि नहीं? नहीं तो साधु संघ का फल नहीं मिलेगा। साधु संघ मतलब भजन क्रिया, और भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे कि ज्यादातर भक्त अनर्थ निवृत्ति के ही स्टेज में कई जन्मों तक अटक जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति को पार करके निष्ठा के स्तर में आ जाएंगे फिर फटाफट प्रेम मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। लेकिन अनर्थों को पवित्र होना, हृदय में से अनर्थ अनवांटेड जो वस्तुएं हैं वो पहले निकलनी चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, तो अनर्थ निवृत्ति जल्दी हो जाएगी। तो हमें निष्ठा रुचि भाव आसक्ति, आसक्ति भाव और प्रेम मिलेगा। लेकिन राधा का प्रेम ये अलग ही है, जो नवा लेवल है प्रेम, उसमें भी 7 लेवल हैं, मतलब प्रेम के अंदर भी 7 स्तर हैं। पहला है मान, स्नेह, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, प्रेम के अंदर भी 7। उसमें अनुराग तक यशोदा पहुंच पा सकती है, राग तक ये सखा लोग पहुंचते हैं, भगवान कृष्ण के सखा लोग राग तक प्रेम तक पहुंचते हैं, यशोदा अनुराग तक पहुंचती है, और भाव तक गोपियां पहुंचती हैं। लेकिन जो 7वां लेवल है, 9 प्रेम में जो 7वां लेवल है महाभाव, उसमें कौन पहुंचता है? उसमें राधा और उनकी बहन चंद्रावली दोनों महाभाव तक पहुंच सकती है। चंद्रावली को भी महाभाव होता है, लेकिन महाभाव में भी 2 प्रकार हैं। लेकिन वृंदावन की भक्ति नहीं देते हैं, वैकुंठ की भक्ति देते हैं, अयोध्या की भक्ति देते हैं, द्वारका भी की भक्ति दे देते हैं, लेकिन वृंदावन की भक्ति नहीं देते, क्योंकि वृंदावन की भक्ति में ऐश्वर्य भाव नहीं है, केवल माधुर्य है। वो ज्यादा बंध भगवान को ज्यादा बंधन में आना पड़ता है, और किसी किसी भक्तों को तो वृंदावन की भक्ति भी दे देते हैं, लेकिन वृंदावन की दास्य भक्ति देते हैं, पत्रक और चित्रक नाम के दास हैं, वो दास की भक्ति देते हैं, वो दूसरी भक्ति नहीं देते। और किसी किसी भक्तों को, भाग्यवान भक्तों को तो सखा बना देते हैं, साक्य भक्ति भी दे देते हैं, और उससे भाग्यवान भक्तों को वात्सल्य भी दे देते हैं, लेकिन माधुर्य भक्ति नहीं देते हैं, गोपियों की भक्ति नहीं देते, क्योंकि गोपियों की भक्ति भगवान देंगे तो पराकाष्ठा हो जाएगी। और किसी किसी भक्तों को भगवान गोपियों की भक्ति भी दे देते हैं, लेकिन राधा का प्रेम, राधा जैसा प्रेम किसी को नहीं देते। और वो राधा जैसा प्रेम चाहिए तो कैसे मिलेगा? अभी मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, ये आखिरी प्रश्न है, पहला और आखिरी प्रश्न कि ये राधा का जैसा प्रेम जो भगवान किसी को नहीं देते हैं, पर वो इस संसार में कैसे मिलेगा?
भगवान का नाम लेने से तो आपको दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, माधुर्य भक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो राधा का प्रेम, राधा रानी को प्रसन्न करने से, लेकिन वो कैसे होंगी प्रसन्न? वो राधा जैसा प्रेम जो सारे सृष्टि में दुर्लभ है वो कैसे मिलेगा? गौरांग महाप्रभु का आश्रय, वो मैं आ रहा हूँ, और एक कथा है उसकी लेकिन राधा जैसा प्रेम बहुत आसान है, मतलब बहुत सबसे ऊंचा है, किसी को नहीं देते हैं भगवान, लेकिन वो प्राप्त करना बहुत आसान है। यहाँ से आप अगस्त क्रांति में बैठ जाइए, सुबह के टाइम में मथुरा उतर जाइए 12 घंटा में, और मथुरा से ऑटो पकड़ के राधा कुंड में चले जाइए। बोलो राधा कुंड धाम की। राधा कुंडे करे जेई एक बार स्नान, राधा कुंडे करे जेई एक बार स्नान, राधा कुंडे करे जेई एक बार स्नान, राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान, 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 राधे 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 राधे, जय जय राधे। डुबकी लगाइए, डुबकी डुबकी। राधे 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 राधे, जय राधा कुंड, जय राधा कुंड, राधा कुंड, जय राधा कुंड, जय राधा कुंड, राधा कुंड, राधा कुंड, जय राधा कुंड, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, जय जय श्री 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 राधे, जो जब कृष्ण और राधा की लीला अंत हो रही थी, वो लोग धाम में जाने वाले थे, तो राधा रानी ने कहा कि हे कृष्ण, आप स्वयं कलयुग में आने वाले हैं, मेरा भाव लेके गौरांग के स्वरूप में, इसलिए हे प्रभु मैं आपको विनंती करती हूँ
कि आप कलयुग में आएंगे तब आप खुद ब्रजभूमि में जाना और केवल आप ही राधा कुंड को प्रकट कर सकते हैं। तो ब्रज भूमि में सब गोस्वामी गए, सब आचार्य गए, लेकिन राधा कुंड को प्रकट किसने किया? गौरांग महाप्रभु ने तमाल तला है, तमाल का वृक्ष श्याम कुंड के किनारे में, वो तमाल का वृक्ष राधा को बहुत प्रिय है, ये श्याम वर्ण का है। महाप्रभु वहाँ बैठ गए, उस समय में उसको काली कुंड और गौरी कुंड कहते थे। वहाँ के गांव के भी किसी लोगों को पता नहीं था कि ये पूरे सृष्टि के सर्वोत्तम तीर्थ स्नान है, स्थान है। तो गौरांग महाप्रभु ने छोटे छोटे कुंड थे, गौरी कुंड मतलब गोरा था और काली कुंड मतलब श्याम था, एक्चुअली राधा कुंड और श्याम कुंड थे, लेकिन उन लोग उधर, तो भगवान ने सीधे कुंड में गए और वो दोनों छोटे छोटे कुंडों में स्नान किया और भगवान ने वो उसी मिट्टी के साथ अपने शरीर में तिलक किया। तो सब गांव वाले आ गए, अरिस्ताग्राम के अरिस्तासुर को भगवान ने वहाँ मारा था, तो सब गांव वालों ने कहा और पूछा, हे प्रभु आप कौन हैं, आपके शरीर से इतना तेज निकल रहा है, आप कहाँ से आए हैं, अपने ये कुंड में एक स्नान क्यों कर रहे हैं? तब गौरांग महाप्रभु के शरीर से एक ज्योति निकला, राधा का ज्योति, और वो पूर्ण राधा कुंड और श्याम कुंड में व्याप्त हो गया और उन्होंने सब ब्रजवासियों को दिखाया कि यही राधा कुंड है और यही श्याम कुंड है। बोलो राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय। इसलिए कलयुग में राधा का जैसा प्रेम चाहिए तो ये राधा का जल रूपी स्वरूप, साक्षात राधा रानी के पास 25 गुण है और राधा कुंड के पास भी 25 गुण है। राधा कुंड में और राधा में कोई अंतर नहीं, बल्कि कृष्ण जब राधा को नहीं मिल पाते हैं, राधा रानी दूर चली जाती हैं कृष्ण से, तो कृष्ण भगवान स्वयं ही राधा कुंड में स्नान करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण राधा कुंड में स्नान करके राधा के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। इसीलिए राधा कुंड में स्नान करने का भी विधि है, वहाँ स्विमिंग नहीं करना चाहिए, वहाँ ज़्यादा पानी उछलना नहीं चाहिए, नूतन वस्त्र पहन के पहले तो राधा कुंड का परिक्रमा लगाना चाहिए, चल के लगा सकते हो, चल के जो दंडवत परिक्रमा करते हैं दंडवत वो भी कर सकते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड का पूरा परिक्रमा करके बाद में राधा कुंड के जल के बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि है, वो कमांडर है राधा कुंड के, उन्होंने ही राधा कुंड को विकसित किया। राधा रानी स्वप्न में आके उनको कहा था, तो उनकी अनुमति लेके फिर नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा माता का बैठक है, वो स्वयं राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी हैं, उनकी कृपा लेके बाद में राधा कुंड में जाना चाहिए, युगल मिलन घाट में जहाँ नीचे से राधा कुंड और श्याम कुंड का मिलन होता है। राधा जी राधा रानी प्रेम में पिघल गई हैं और उनका महाभाव प्रेम है, वो पिघल के राधा कुंड बन गया है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है कलयुग के जीवों का कि वो राधा कुंड अभी भी संसार में प्रकट है, और वो कोई साधारण जीव वहाँ नहीं जा सकते। लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, लेकिन जिसको राधा के प्रति असली प्रेम है वो ही वहाँ जाते हैं। हाँ, रात शाम के बाद संध्या के बाद वहाँ स्नान नहीं कर सकते हैं, और विशेष करके सबसे बड़ा फल आपको तब मिलता है जब आप एक घी का दिया राधा कुंड को अर्पण करते हैं।
जब आप ये घी के दिए से चार बार, फिर दो बार, फिर तीन बार और फिर सात बार, ऐसे घी का दिया अर्पण करने की विधि होती है वेदों में। पहले राधा कुंड के चरणों में चार बार, फिर नाभि में दो बार, फिर मुख में तीन बार और आजू बाजू सात बार। इस रूप से जो घी का दिया अर्पण करता है राधा कुंड को और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करता है राधा कुंड के पानी में, नाभि तक या पैरों तक, कमर तक एटलीस्ट पानी में बैठ के, उसकी उस जीव की तो बात ही क्या है, उसको साक्षात राधा के मंडल में प्रवेश मिलता है। श्री मंडल प्रवेशनम। तो यही महान आशीर्वाद राधा रानी ने हमको दिया है कि ये राधा कुंड के स्वरूप में स्वयं कृष्ण को जितनी राधा प्रिय है उतना ही राधा कुंड प्रिय है। इसीलिए हमें भी राधा कुंड से प्रेम करना चाहिए, राधा कुंड से आसक्ति पैदा करनी चाहिए। और जो लोग राधा कुंड में शरीर से नहीं जा सकते वो मन से तो रह सकते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं अगर आप राधा कुंड में स्नान साल में एक बार तो कर सकते हैं, नहीं कर तो आप रोज माला करते करते संकीर्तन में राधा कुंड का ध्यान करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, डुब करके एक डुबकी लगा सकते हैं। राधा कुंड में महामंत्र की माला करते करते आप मन से तो किधर भी जा सकते हैं, आप कोई नहीं रोक सकता है आपको। इसको मानसी सेवा कहते हैं। तो मन से तो वहां चले जाइए, तो माला करने के टाइम मन कहाँ रहता है ये जरूरी है। तो मन वहां रहना चाहिए जहां भगवान है। और फिर जब भी आप वहां जाते हैं तो जितना हो सके, हमारे आचार्य गण तो दिन में तीन बार स्नान करते थे राधा कुंड में, प्रातः में, दोपहर को और शाम को संध्या के समय में, क्योंकि जितनी बार स्नान करते हैं उतने राधा के निकट आ जाते हैं। गोस्वामी गण एक बार प्रभुपाद जी गए अपने भक्तों के साथ, तो भक्तों ने पानी में छलांग लगा दिया और जो विदेश के भक्त हैं सब स्विमिंग करने लगे राधा रानी के पानी में। प्रभुपाद ने बोला स्टॉप इट। प्रभुपाद ने बोला आज से कोई राधा कुंड में स्नान नहीं करेगा। राधा कुंड के निकट में जाओ, दंडवत प्रणाम करो और राधा कुंड का मंत्र पढ़ो, यथा राधा प्रिय विष्णुस तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीशु सैवैका, विष्णु अत्यंत वल्लभा। और उसके बाद में थोड़ा सा पानी माथे पे छिड़क दो, बस तो। इसलिए सम्मान से, अगर कोई भक्ति पूर्वक सम्मान से राधा कुंड में जाता है, दंडवत करके धीरे धीरे पानी में उतरता है, तो वो स्नान कर सकता है। लेकिन मतलब अनादर नहीं करना चाहिए। अगर राधा कुंड का अनादर करेंगे तो हम राधा रानी का अनादर कर रहे हैं। तो इसलिए इस भाव से हमें जाना चाहिए। राधाष्टमी की कथा मैं अभी यहाँ समाप्त करता हूँ। अंत में मैं आपको केवल एक रहस्य बताता हूँ कि अनंत संहिता में कहा गया है कि अनंत देव भगवान अपने हजारों मुखों के साथ में ब्रजभूमि में गए। उन्होंने बहुत तपस्या किया, भगवान हरि ने उनको दर्शन दिया, बोला कि राधा रानी को प्राप्त करना है तो किसकी कृपा चाहिए। भगवान हरि ने अनंत देव को कहा कि अगर राधा रानी को प्राप्त करना है तो किसकी कृपा चाहिए। राधा कुंड का तो कथा मैंने बता दिया, अभी इसके हम आगे बढ़ रहे हैं। श्याम कुंड का भी हो गया। श्याम कुंड में रोज 12 बजे राधा रानी स्नान करने को आते। हाँ, हरि बोल। राधा रानी की कृपा चाहिए तो गोपियों का कृपा से,
गोपियां जब कृपा करेंगी तब राधा रानी का कृपा मिलता है। और कोई जीव को गोपियों का कृपा चाहिए तो किसका कृपा चाहिए? मंजरी तो गोपियों में आ गई। मंजरियां जो होती हैं वो 12-12.5 साल की गोपियां होती हैं, और जो राधा कृष्ण की सखियां होती हैं, अष्ट सखियां, ललिता, विशाखा, चित्रा, भद्रा, तुंगविद्या, इंदुलेखा, सुदेवी, चंपकलता, अष्ट सखियां हैं। वो सखी है वो 15 साल की होती है, नित्य आयु होती है उनकी, और उससे हर 8 सखियों का 8 मंजरियां होता है, मतलब टोटल 64 गोपियां हैं राधा कृष्ण के मेन मंडल में। 8 सखियां हैं राधा कृष्ण की, हर एक 8 मंजरी है। तो ललिता सखी की मेन मंजरी है रूप मंजरी, जो हमारे परंपरा में रूप गोस्वामी के रूप में आए हैं। रूप मंजरी, रूप और सनातन, ये दोनों राधा कृष्ण की मेन मंजरी हैं। विशाखा सखी की मेन मंजरी है सनातन गोस्वामी, रति मंजरी और रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, और रूप गोस्वामी ललिता सखी के मेन दास हैं। तो इन सब की कृपा चाहिए तो किसकी कृपा? गोपियों की कृपा किसकी कृपा से मिलेगी? यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो कैमोने धोरिनु देहा। यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो कैमोने धोरिनु देहा। तबे की होई तो राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के हा। महिमा प्रेम रस जगते जाना तो के हा। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के हा। प्रेम रस सीमा जग राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के हा। गौरांग बोलिया नागेनु गलिया कैमोने धोरिनु देह। गौरांग नागेनु गलिया वासुरहिया पाषाण दिया कैमोने गड़िया चे ह। वासुर पाषाण दिया जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि। जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि। जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि। जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि। गौर 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 गौर
गौरा 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 गोपियों की कृपा ये गौरांग महाप्रभु के सिवा नहीं मिल सकती है। वो गौरांग महाप्रभु आए उसके पहले वृंदावन धाम जंगल था, कोई नहीं था, पूरा जंगल। भगवान का लीला कहाँ हुआ किसी को कोई पता नहीं था। भगवान ने स्वयं प्रकट किया है। उनके शरीर की सुवर्ण कांति से गौरांग महाप्रभु की लोगों को, पापी तापी जीवों को भी राधा का प्रेम पता चल गया। जब भगवान दक्षिण भारत में चल रहे थे 2 साल के लिए, तो भगवान राधा का प्रेम है वो पापी तापियों को बांट रहे हैं। दक्षिण भारत में गौरांग का सुवर्ण स्वरूप देख के जो जो रास्ते में जो लोग मिलते थे वो पागल हो जाते थे प्रेम से। बोलते गौरा 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 गौरा। तो उनका दर्शन करके जो लोग अपने गांव में जाते थे उन जीवों का दर्शन करके पूरे गांव को भी प्रेम मिल गया। जो गौरांग महाप्रभु को देखता था वो देख के गांव में जाता था, पूरे गांव को प्रेम मिल गया। और वो गांव से आदमी दूसरे गांव में जाते थे तो वो आदमी को देख के दूसरे गांव को प्रेम मिल गया, और दूसरे गांव से आदमी तीसरे गांव में जाता है उसको प्रेम मिल गया। बोलिए ऐसे दयालु भगवान कहां मिलेंगे। राधा का प्रेम बांटने के लिए आए हैं कलयुग में सब जीवों को, यहाँ से बरस रही है। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनंती है, आज जो पहली बार आए हैं कृपा करके यहाँ आइए। हर रविवार को इसी तरह कार्यक्रम होते हैं, इसी तरह सुंदर महासंकीर्तन होता है और सुंदर कथा होती है। यहाँ भक्तों के संग में आपको बहुत आनंद मिलेगा। कांदीवली, मलाड़, गोरेगांव, जोगेश्वरी, ये सब साइड के भक्त तो ये मंदिर का पूरा लाभ उठा सकते हैं शनिवार को और रविवार को। हाँ, थोड़े ही समय में ये इतने भक्त लोग बढ़ जाने चाहिए कि मुरारी प्रभु को दूसरा जगह लेना ही पड़ेगा। प्रभुपाद जी ऐसे कहते थे कि पहले मंदिर भर जाए फिर दूसरा मंदिर बनाओ कि बड़ा मंदिर बनाओगे तो खाली रहेगा तो कैसे चलेगा। तो इसलिए उत्साह से सब लोग आइए यहाँ शनिवार को, रविवार को संध्या के समय में, और उत्साह से सम्मिलित होइए। यहाँ के भक्त सब प्रेमी भक्त हैं, सब नम्र भक्त हैं, और इतना सुंदर गौर निताई का दर्शन है। बिल्कुल तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीर, नव मेघ जिनी कंठ वाणी से गंभीर, एकदम सुवर्ण सोने के भगवान हैं। इनका दर्शन कीजिए, इनका सेवा कीजिए, कुल फल फूल लेके आइए। गौर निताई के लिए और जो लोग गौर निताई की भक्त लोग सेवा कर रहे हैं उनका सेवा कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु दासे रानु दास, दास का दास बनने से ज्यादा लाभ होगा। तो मेरी सबसे विनंती है कि भक्तों का संग रखिए, नहीं तो मुंबई में तो लाइफ बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी बीतती है। भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए,
इसीलिए तो प्रभुपाद जी की कृपा से ये मुरारी प्रभु ने खुद अपना ये पूरा घर भगवान को बलिदान दिया है, पूरा दे दिया है भगवान के लिए। तो हम उसका पूरा लाभ नहीं, उनकी एक ही इच्छा है कि भक्ति दूसरों जीवों को मिले। तो और यहाँ के सब भक्तों को हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं, ये इतना सुंदर दिन भर कार्य करते हैं लेकिन शाम को आके गौर निताई की सेवा करते हैं। तो दोनों करते हैं, इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद। आप बारिश के दिन में भी आप दूर दूर से आए हैं और इच्छा है कि और भी आपके दर्शन होते रहेंगे। और भी मैं दो दिन यहाँ कथा होगी क्या, आज कौन सा है 28 है, 29 और 30 सुबह और शाम को होगी। सुबह 8 बजे, शाम को 7:30 बजे होती है। और उसके बाद खारगर में 4 तारीख को रविवार को सिडको के हॉल में प्रोग्राम है, सब आ सकते हैं वहाँ, राधाष्टमी का अधिवास है। और 5 तारीख को यहाँ राधाष्टमी का मंदिर में प्रोग्राम होगा शाम के समय में, सोमवार है 5 तारीख को, आप सब सम्मिलित वहाँ हो सकते हैं। राधाष्टमी का उपवास भी जिनसे हो सके उनको एकादशी जैसा ही उपवास करना चाहिए। राधाष्टमी की तिथि में भी अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि पूरी तिथि ही राधा रानी की तिथि है, राधा रानी का वास होता है राधाष्टमी की तिथि में। तो एकादशी का उपवास कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, तो आपका उपवास होगा। हाँ, और धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुला राधा का जन्म अष्टमी को हुआ, कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ और राधा कुंड का भी जन्म अष्टमी को हुआ, उसको बहुलाष्टमी कहते हैं। कार्तिक के महीने में आती है अष्टमी। उस दिन में कंस का सबसे शक्तिशाली राक्षस अरिस्तासुर ब्रजभूमि में आया था बैल का रूप धारण करके। वो बैल जब चल रहा था तो पूरे भूकंप होने लगा ब्रजभूमि में, और वो बैल का रूप आया तब भगवान रात के समय में वहाँ रासलीला की शुरुआत करने वाले थे राधा कुंड में गोवर्धन के बाजू में। तो उस समय में वो राक्षस ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया बैल ने, तो भगवान ने बैल को पकड़ के घुमा के फेंक के मार दिया। और जैसे ही बैल को मार दिया गोपियों ने बोला अभी हम आपके साथ रासलीला नहीं करेंगे। तो कृष्ण ने बोला क्यों नहीं करेंगे, बोला गाय तो हमारी माता है, बैल तो हमारा पिता है, आपने पिता को मार दिया, जाओ आप अशुद्ध हो गए हो। अभी भगवान कृष्ण तो कभी अपवित्र होते नहीं है, उनके नाम से पूरा सृष्टि ही पवित्र होता है। लेकिन गोपियां ये भगवान को लीला कर रही थी, भगवान हंसने लगे, हे गोपियां, हे राधे, तुम बताओ मैं कैसे पवित्र हो सकूं, बैल को मारने के पाप से मैं कैसे पवित्र हूं। तो सब गोपियों ने कहा उसके लिए तो तुमको पूरे ब्रह्मांड में 64 करोड़ तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। भगवान सोचने लगे, बोले सब तीर्थों में मैं स्नान करके आऊँगा तो कितना समय लगेगा, भगवान के लिए तो सब कुछ संभव है। लेकिन भगवान ने बोला उससे अच्छा है सबको मैं यहाँ ही बुला देता हूँ, सब तीर्थों को यहाँ ही बुला देता हूँ। ऐसा करके भगवान ने रात को 11 बजे अपने चरण जोर से भूमि पे लगाए, तो भगवान का दाहिना चरण जो है वही आकार का श्याम कुंड का खड्डा बन गया। बोलो श्याम कुंड की, कृष्ण कुंड की। अभी भी श्याम कुंड का आकार भगवान के चरण जैसा है। और बाद में भगवान ने ऑर्डर दिया तो गंगा आ गई, सरस्वती आ गई, गोदावरी आ गई, सरायू आ गई, कारणोदकशाही सागर आ गया, शिरोदकशाही सागर आ गया, मधु का सागर आ गया,
मदिरा का सागर आ गया, दही का सागर आ गया, दूध का सागर आ गया, शक्कर के पानी का सागर आ गया, सब सातों समुद्र आ गए ब्रह्मांड में से, सारे करोड़ों करोड़ों तीर्थ भी आ गए श्याम कुंड में। तो भगवान ने श्याम कुंड को इतना निर्मल होते हुए देखा तो भगवान ने तुरंत ही छलांग लगाया, डुबकी लगा दिया, बोले जय जय श्री राधे। और भगवान कृष्ण कुंड में स्नान करके बाहर आए, बोले अभी मैं पवित्र हो गया हूं। तो हंसते भगवान ने हंसते हंसते गोपियों का, लेकिन तुम दूषित हो गई हो, क्योंकि मैं अरिस्तासुर को मार रहा था और तुम देख रही, तो तुमको भी पाप लगा है। तुमको मुझे रोकना चाहिए था, तुम सब देख रही हो महल की हत्या को। तो राधा रानी ने कहा ठीक है, हम भी हमारा कुंड बनाएंगे। तो राधा रानी ने अपने कंगन से, कंगन कुंड, कंकन कुंड कहते हैं, राधा कुंड के बीच में एक छोटा कुंड है उसको कंकन कुंड, राधा रानी ने अपने कंगन से खुदाई करना चालू किया, छोटा सा कुंड बनाया। फिर कृष्ण भगवान हंसते लगे, पानी कहाँ से आएगा, मैंने तो 64 करोड़ तीर्थों को बुलाया, तुम्हारे पास कहाँ है। राधा रानी बोली, तुम्हारे पानी की जरूरत नहीं है हमको, तुम्हारे 64 करोड़ तीर्थ तुम्हारे पास में रहेंगे, हम तो मानसी गंगा से पानी लाएंगे, पवित्र जल। वो मानसी गंगा भी तो कृष्ण ने ही बुलाए थे। नंद बाबा को गंगा में स्नान करने जाना था, तो कृष्ण ने मन से ही गंगा को बुला दिया था, मानसी गंगा। मानसी गंगा से पानी लाएंगे, हजारों हजारों मटका भर भर के सब गोपियों ने लाइन लगाया। राधा कुंड से मानसी गंगा कितना, 3 किलोमीटर होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, 5 किलोमीटर। सब गोपियों ने लाइन लगाया, 3 क्रॉस। तो सब मटका भर भर के राधा कुंड बन गया, और जैसे ही वो सुंदर पानी मानसी गंगा का राधा कुंड में गया, राधा रानी के महाभाव से प्रेम से वो कुंड इतना सुंदर बन गया, इतना सुंदर बन गया, वो रात को 12 बजे ही बना था। इसीलिए बहुलाष्टमी के दिन रात को 12 बजे का स्नान होता है, बहुत भीड़ लग जाती है, बहुत लास्ट ईयर तो के निकट जाना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो वो राधा कुंड, मैं बता रहा हूँ कि जब राधा कुंड सुंदर बन गया तो कृष्ण कुंड में, श्याम कुंड में जो 64 करोड़ तीर्थ अंदर पानी में थे, सब लोगों ने अपना सर ऊपर उठाया, मुंडी। बोले ये हम सोच रहे थे श्याम कुंड सबसे सुंदर है, लेकिन राधा कुंड तो और भी सुंदर है। बोलो जय जय श्री राधे। तो सब लोगों ने हाथ जोड़ दिया, कृष्ण को बोला हमको वहां जाना है। कृष्ण ने बोला आई एम सॉरी। राधा कुंड में तो मुझे भी एंट्री नहीं है, मैं तुमको कहां से भेजूं। तो तुमको अगर राधा कुंड में जाना है तो राधा को प्रसन्न करो, राधा बोलेगी तो तुम जा सकते। फिर सब 64 करोड़ तीर्थों ने राधा का स्तुति किया, मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारे, प्रसन्न वक्त्र पंकजी निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगत, कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजन, से करके स्तुति किया राधा रानी का। बाद में राधा ने बोला ठीक है आ जाओ, राधा तो दयामय है, हमेशा सब जीवों को कृष्ण के प्रति लाती हैं राधा रानी। तो सब तीर्थ वहाँ आ गए और राधा कुंड में प्रवेश किया। उस समय से कभी कभी राधा कुंड दूध से भर जाता है, क्योंकि राधा कुंड के नीचे पूरे 64 करोड़ तीर्थों के फुहारे निकलते हैं, अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी, शीर सागर का पानी आता है, कभी कोई
दही के सागर का पानी, गंगा, गोदावरी, जमुना, सरस्वती, सबका पानी नीचे से निकलता है, पाताल से आता है। तो एक दिन क्या हुआ, पूरा राधा कुंड दूध से भर गया, क्योंकि वो क्षीर सागर का पानी ज़्यादा हो गया। और एक भक्त ने बॉटल में कमंडलू में भर दिया, दूसरे दिन उसका दही भी बन गया। इसीलिए राधा कुंड का कई कई चमत्कार दिखाते हैं। कोई भी महा महा रोग औषधि कोई उसमें स्नान करते हैं सब मुक्त हो जाते हैं। लेकिन राधा कुंड में हम राधा का जैसा प्रेम, राधा का जैसा प्रेम मतलब राधा के सेवा में हम प्रेम प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और कोई प्रश्न है किसी? भगवान के 16108 पत्नियों में राधा रानी का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि राधा रानी भगवान की पत्नी नहीं है, वो तो भगवान की लादिनी शक्ति है, साक्षात दोनों एक ही हैं। एक्चुअली वो द्वारका का जो रस है वो उसको स्वकीय रस कहते हैं और ब्रज का रस को परकीय रस कहते हैं। अगर राधा और कृष्ण शादी करके एक ही महल में रहने लगे तो उन दोनों में वियोग नहीं होगा, और वियोग नहीं होगा तो मिलन का आनंद नहीं होगा। मिलन में सुख प्राप्त करने के लिए वियोग चाहिए। पति पत्नी में तो वियोग होता ही नहीं है, घर में ही बैठे रहते हैं। अभी मुंबई में तो होता है, काम करने जाते हैं बाद में आते हैं, लेकिन द्वारका में तो सब रानियों के साथ भगवान स्वकीय भाव में करते हैं। इसलिए राधा के साथ भगवान वियोग का रस आस्वादन करना चाहते हैं, वियोग और संभोग दोनों। इसलिए मांडिर वन में राधा के साथ विवाह किया, लेकिन ये विवाह गुप्त रखा है। यशोदा को पता नहीं है कि राधा का विवाह कृष्ण के साथ हुआ, किसी की ब्रजभूमि में किसी को पता नहीं। सब लोग सोचते हैं कि तो इसीलिए परकीय भाव है, इसलिए राधा को पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। मतलब हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद सब प्रसाद मिलेगा। शयन आरती का नाम कीर्तन है। कीर्तन शयन आरती के टाइम में कीर्तन जाप मिलेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर हमें अवतरण में साधना ऊपर उठा ऊपर से ऊपर से लेवल राधा अष्टमी आने से पहले राधा अष्टमी का क्या महत्व है, सब कुछ हमें बताया, कैसे आविर्भाव प्राकट्य हुआ सब कुछ हमें महाराज जी ने बताया, और इस कथा के माध्यम से हमें यह भी बताएं कि भगवान सब कुछ देते हैं लेकिन अपनी भक्ति नहीं देते हैं। इसी बात को सुखदेव गोस्वामी जी भागवत में महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन पतिर गुरु लमो भवताम यदुनाम देवम कुल पति क्वच किम करो वह अस्त वेव मंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्ति ददाति कर ही चित। भगवान कृष्ण का भजन करने वाले को भगवान जो है मुक्ति ददाती मुक्ति दे देते हैं, परंतु स्व न भक्ति योगम अपनी स्वयं की भक्ति नहीं देते हैं, क्योंकि भक्ति दे देंगे तो भक्त के इशारे पर चलना पड़ता है। जैसे भगवान कहते हैं मया अध्यक्षिण प्रकृति, गीता में कहते हैं प्रकृति जो है मेरे इशारे से चलती है, परंतु वो भगवान भी मैया यशोदा के इशारे से चलते हैं ऐसे, क्योंकि भक्ति दे दिए है ना उनको। इसलिए तो कहने का भाव ये है कि भगवान सब कुछ देते हैं परंतु भक्ति नहीं देते हैं, परंतु यदि किसी शुद्ध वैष्णव की संगति में आते हैं उनके मुख से कथा श्रवण करते हैं तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ऐसे जीवों को ही भक्ति प्रदान कर देते हैं। कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कहे हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। गुरु और कृष्ण की कृपा से सबसे पहले गुरु कृपा होती है और वो वाणी के माध्यम से होती है। जैसे महाराज जी हमको लगातार पिछले 5 दिनों से कथा श्रवण कराते आ रहे हैं,
अपने मुखार बिंदों से गौरांग महाप्रभु की लीला और भगवान राधा रानी और कृष्ण की लीला इतना मधुर लीला हमको श्रवण करा रहे हैं और आने वाले दो दिन 30 तारीख तक हमें श्रवण कराएंगे। महाराज जी का संग हमें प्राप्त होगा तो आप सभी के चरणों में प्रार्थना है कि आप सभी यहाँ पर और भी अधिक संख्या में आइए। बारिश आता रहेगा, अगर बहुत संख्या बढ़ गई तो हम ऊपर भी स्पीकर लगा देंगे, वहाँ पर ही बैठेंगे करीब को। लेकिन आप सभी आइए और महाराज जी जो बोल रहे हैं कथा श्रवण करा रहे हैं उसको सुनिए। तो महाराज जी ने आज बहुत सुंदर हमें कथा श्रवण कराए, इसलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हम सभी का सौभाग्य है कि यहाँ पर महाराज जी की जो माता श्री है वो भी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, इसलिए महाराज माता जी का भी हम 3 बार हरि बोल बोल करके उनका स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए अपनी संगति प्रदान किए, स्वागत है आपका। तो अभी हम भगवान की शयन आरती करेंगे, शयन आरती के पश्चात 10 मिनट बहुत ही सुंदर कीर्तन होगा। शयन आरती के पश्चात अभी वर्तमान में सही भक्त लोग बैठे रहे, शयन आरती हो जाएगा उसके बाद धुआंधार कीर्तन होगा 10 मिनट और बाद में सबके लिए प्रसाद है, सभी लोग प्रसाद दे करके जाइएगा। और माता जी लोग की संख्या अधिक है और हमेशा रहता भी है, पहले माता जी लोग लेंगे और जो दूर से आए हैं प्रभु जी लोग भी, यदि कोई दूर से आए हैं बहुत है मलाड़ और माता जी लोग भी यदि दूर से आए हैं मलाड़ से पहले ले ले वो पहले लेंगे, माता हो या प्रभु जी हो कोई भी हो, अगर दूर से आए हैं तो पहले ले लेंगे और जो यहाँ पर निकट में रहते हैं वो कृपा करके बाद में लेंगे। प्रभु जी को अरे बंद करना, बंद करो, बंद करो, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट।